Hello students, how are you all? Hope you are good from your health and hope that you are fit from all everything. Welcome to the online class of Satyam Shiksha Sadan. Myself Jayesh Singh, your English teacher. So आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर, ठीक है? ऐसे तो हम लोग डेली न्यू चैप्टर पढ़ते हैं, आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग अर्थ की तो जर्नी करते हैं हमेशा, सब धरती पे रहते हैं, लेकिन आज हम आप लोग को ले चलेंगे चांद पे, चांद की दुनिया, जर्नी टू द मून, ठीक है? तो ये आपका चैप्टर है जर्नी टू द मून, इसके बारे में तो सब लोगों को पता ही होगा, तो आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चैप्टर 11 है आप लोगों का. Okay, so let's begin the chapter. Have you seen the full moon at night? Unlike sun, you can look it for long. बोल रहा है कि क्या आप लोगों ने चांद को, पूरे चांद को देखा है? फुल मून मतलब क्या होता है? जो मून पूरी तरह जो सर्कल होता है, एक होता है क्रिसेंट मून, हाफ मून, चांद आधा होता है, क्रिसेंट मून है कि नहीं? तो उस तरह आप लोग बोल रहे हैं कि क्या आप लोगों ने पूरे फुल मून को देखा है? तो बोल रहा है और सवाल बोल रहा है कि जैसे कि हम लोग सूरज की तरफ ज्यादा देर नहीं देख पाते, थोड़ा सा देखते तुरंत हमारा पलक तुरंत झपक लेते हैं, लेकिन हम लोग चांद की तरफ काफी देर तक देख सकते हैं. क्यों? Why this is it? Your eye is not feel straight. Moonlight is soothing and cool. मतलब क्या कि हम जैसे सूरज की तरफ देखते हैं हमारे आईज पे स्ट्रेन, मतलब कि काफी दबाव पड़ने लगता है, आंख पे हम देख नहीं पाते, सूरज को हटा देते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा लाइट देता है कि जो हमारे आंख को बर्दाश्त नहीं हो पाते, लेकिन सन मून को हम क्या करते हैं, आराम से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? मून बट द ब्यूटीफुल मून डज नॉट हैव एयर और वाटर. देखिए चांद दिखने में तो इतना सुंदर लगता है, बट आपको क्या सच्चाई पता है कि उसमें ना ही तो हवा है ना ही पानी. इट हैज ओनली रॉक्स ऑन इट एंड इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. इसमें सिर्फ केवल पत्थर ही पत्थर है और कुछ नहीं, ना हवा है ना पानी. और सबसे आश्चर्य की बात ये है कि हम लोग चांद को देख पाते हैं, बट आश्चर्य की बात ये है कि इसके पास खुद का लाइट भी नहीं. जो हम लोग देख पाते हैं चांद को, उसके पास खुद का लाइट नहीं है, वो सूरज के रोशनी से जो चांद को मिलता है वो रिफ्लेक्ट करता है और उसी को रिफ्लेक्शन को हम लोग देखते हैं. मून का खुद का लाइट बिल्कुल भी नहीं. आप लोग को अगर आज से पहले लगता होगा कि आप लोग जो चांद को देख रहे हैं उसमें उसका लाइट नहीं, इट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन, और वही रिफ्लेक्शन हमारी आंखों पे पड़ता है, ठीक है? कुड यू बिलीव बट इट इज ट्रू. क्या आप लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आज से विश्वास कर लीजिएगा. The Canadian astronaut decided to go on a journey to the moon. Neil Armstrong was the first man to step on the moon at 10:56 PM. अब हम लोग आपको तो पता ही कि चांद हमारी पृथ्वी से बहुत मिलियंस दूर है, ठीक है? तो उसके तरफ में भी जर्नी लिया गया, चांद की सवारी के लिए जाया गया, ठीक है? तो कौन किया था? वो था पहला जो आदमी था, वो नील आर्मस्ट्रांग था. वो 10:56 में PM पे on 20 July 1969 को नील आर्मस्ट्रांग 10:56 पे चांद के ऊपर में पहुंच चुका था. लेकिन हमारा जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है कोई और नहीं बल्कि हमारा कौन है, चांद. सबसे क्लोजेस्ट जगह पे प्लैनेट है वो है चांद, उसके बाद है मार्स इस तरफ है, इधर भी वेनस. दोनों भी क्लोजेस्ट है, बट दे आर नॉट एज क्लोज टू एज द मून, ठीक है? इट अपीयर्स बिगर देन द प्लैनेट्स एंड स्टार. दिस इज बिकॉज़ दे मच क्लोजर टू अस देन द प्लैनेट्स एंड स्टार. ये हम लोग को अच्छा एक चीज नोटिस की है कि आप आसमान में स्टार्स भी देखते होंगे, मून भी देखते हैं. आपको क्या लगता है कौन बड़ा है? नहीं पता, हम बताते हैं. सबसे बड़ा स्टार्स होता है, मून से भी बड़ा होता है, मून से बहुत बड़ा होता है. इतना बड़ा होता है कि उसमें 5-6 है क्या, कितने सारे मून सूरज के बदले, लेकिन फिर भी आप सोचिए स्टार्स हम लोग छोटी सी बिंदु की तरह दिखता है, लेकिन मून हम लोग बहुत बड़ा दिखता है. उसका रीजन ये है कि मून अर्थ से बहुत क्लोज है, ठीक है? इस वजह से मून हमें इतना बड़ा दिखता है. मून अर्थ से बहुत क्लोज इस वजह से बड़ा दिखता है, बल्कि जो स्टार्स हम लोगों से इतने दूर है कि हमें बहुत छोटे दिखते हैं, है कि नहीं? और स्टार्स भी बहुत फास्ट मूव करते हैं, बट वो हमें वो एक ही जगह पे दिखते हैं, क्योंकि वो इतने दूर है कि उनका फास्टनेस हमें नोटिस नहीं हो पाता है. द मून इज ओनली अबाउट एज बिग एज अफ्रीका एंड यूरोप पुट टुगेदर. और मून बोल रहे हैं कितना बड़ा है, अफ्रीका और
यूरोप को आप मिला दीजिएगा तो बस उतना ही बड़ा आपका एक चांद है। नहीं बीच का छोड़ छोड़िए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज इन द अर्थ मून इज नॉट अ प्लैनेट, इट्स द ओनली नेचुरल सप्लाई ऑफ द प्लैनेट मार्स इट गोस राउंड द अर्थ। बोल रहा है कि मून एक प्लैनेट नहीं है, मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का, अर्थ का ये नेचुरल सैटेलाइट। अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन किया जाए व्हिच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, द आंसर विल बी मून, ओके, इट गोस राउंड द अर्थ। अब आपको पता है कि अर्थ सूरज के चारों परिक्रमा करता है राउंड एंड ऑफ, लेकिन अर्थ के भी चारों ओर कोई है जो परिक्रमा करता है, वो है उसका खुद का जो सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं, ठीक है। जो हम अनेक बताए मून इज ओनली अबाउट एज बिग एज अफ्रीका एंड यूरोप टुगेदर, कि एक चांद आपको सिर्फ इतना ही बड़ा है, एक अफ्रीका और यूरोप को मिला दीजिएगा बस उतना ही बड़ा आपका एक चांद है। इन वेट द अर्थ इज 81 टाइम्स बिगर देन द मून, वेट के हिसाब से देखा जाए 80 गुना से भी ज्यादा, 81 गुना ज्यादा बड़ा है आपका ये चांद। इट हैज नो लाइफ ऑफ इट्स ओन, नहीं तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि इसमें इसका खुद का कोई लाइफ नहीं होता, और साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ द सन फॉल्स ऑन इट, जो मैंने आप लोगों को देख पहले बताया था कि सूरज की रोशनी जब चांद पे पड़ती है तो वही हमें देखने को मिलती है। इट इज नॉट सीन इन द डे टाइम बिकॉज़ द सन्स लाइट इज मच लाइटर देन द मून। अच्छा आप लोग सोचते हो कि डे टाइम में क्या होता है, चांद गायब हो जाता है, नहीं चांद भी आसमान में रहता है, स्टार्स भी आसमान में रहते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी तेज रहती है कि हमें वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। इस वजह से चांद की रोशनी बहुत कम हो जाती है, और रात में जब सूरज की रोशनी चली जाती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है मून के पास और वही हमें दिखाई देता है, ठीक है। द मून इज नॉट फ्लैट, देयर आर वेरी हाई माउंटेंस एंड वेरी डीप क्रेटर्स ऑन इट। मून फ्लैट नहीं है, जैसे कि पहले जब अर्थ का प्रूफ गैलीलियो ने किया था कि अर्थ इज राउंड, उससे पहले लोगों को ये विश्वास होता था कि पृथ्वी क्या है, लोग एकदम फ्लैट जमीन देखते थे, लोग सोचता था पृथ्वी फ्लैट है, लेकिन फिर प्रूफ हुआ कि अर्थ इज राउंड। उसी तरह चांद को हम यहाँ से देख सकते हैं कि मून इज राउंड, और उसमें बहुत सारे क्रैटर्स, क्रैटर्स मतलब कि हो गए छोटे छोटे पत्थर, होल्स, बहुत सारे। द डार्क साइड ऑफ द सन फर्स्ट लुक ऑफ अ रैबिट होल ऑल्दो मैन आर स्पिनिंग ऑन द मून। अब अच्छा आप एकदम से भी ध्यान से देखिएगा चांद पे, तो आप लोग काला काला उसमें व्हाइट के बीच में छाया भी दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे कि उसमें या तो कोई रैबिट है या फिर कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई है जो कि व्हील चक्के के ऊपर में बैठी हुई है ना, ऐसा लगता है। अपोन मैन आर स्पिनिंग ऑन द मून, अ डे और नाइट ऑन द मून इक्वल्स टू 2 वीक्स ऑन द अर्थ। डे और नाइट बोल रहा है किसके बराबर हो जाता है, 2 वीक के, ठीक है, 2 सप्ताह के बराबर में एक रात और एक दिन होता है। There is only empty space outside the earth with no air. And man animal will die once in empty space. एक बोल रहा है कि एक खुला आसमान में एक empty space कोई भी चांद या कोई भी सॉरी चांद नहीं कोई भी मनुष्य या कोई भी जानवर मारा जा सकता है। क्यों मारा जा सकता है, क्योंकि बाहर स्पेस में हमारे ऑक्सीजन नहीं होता। आप लोग जो लोग भी जाते हैं जिसने भी आर्मस्ट्रांग गया था तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गया था और रॉकेट में गया, तो बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन से हमारे एकमात्र इस सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर ऑक्सीजन वाटर पाया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग सब जिंदा रहते हैं, ठीक है। So the people while in wood in this space where a special space suit having air in it and kind of oxygen cylinder, जो मैंने बोला कि वो जो स्पेस में जाते हैं ना, स्पेस में एयर नहीं होता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि स्पेशल सूट पहनते हैं पहला चीज, और दूसरा चीज कि वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, उन लोग के बैग में कैरी रहता है पीछे की तरफ में बांधा। अगर आप लोग एस्ट्रोनॉट को देखेंगे तो उनके पीछे में एक ऑक्सीजन सिलेंडर बांधा हुआ रहता है, ठीक है। Here, suit does not mean cloth suit. It is just a special suit to cover the whole body of an astronaut. अच्छा, cloth suit का मतलब ये जो कपड़ा सोच रहे हैं इसको नहीं बोला जा रहा है। Cloth suit is not an ordinary suit. This is a very advanced astronaut suit. इसमें क्या होता है, उसका पूरा body cover up होता है, पूरा face cover up होता है, gold color का रहता है, शीशा की तरह aquarium की तरह लगता है वो, but वो actually में oxygen carry करता है, और ऑक्सीजन के सिलेंडर पीछे में होता है और सब पूरा उन लोगों का बॉडी का गर्व होता है, नहीं तो फिर वो स्पेस से ऑक्सीजन नहीं मिलता। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, अर्थ हर चीज को अपनी तरफ पे खींचता है, जैसे कि आप कुछ भी ऊपर फेंकिए देखिए वापस वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोग न्यूटन का थ्योरी में पढ़े होंगे, द थिंग व्हिच गोस अप अपनी तरफ खींचता है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं।
अगर अर्थ अपनी तरफ में नहीं खींचते तो आज हम सब हवा में उड़ रहे होते, कोई नहीं रहता, कोई यहाँ से यहाँ से उड़ के वहां चला जाता है, यहाँ से उड़ के हम लोग तो जमीन पे नहीं रह सकता। चांद पे भी यही प्रॉब्लम है, चांद पे भी आप लोग एक जगह नहीं रह सकते, चांद पे भी इसी वजह से देखिएगा एस्ट्रोनॉट्स को पूरा कवर अप नहीं कर पाते, ठीक है, वो लोग हवा में ज्यादातर उड़ते हैं, फिर लैंड करते हैं, उड़ते हैं लैंड करते हैं, उन लोगों के पीछे में एक रस्सी नहीं बोल सकते, एक वायर का कनेक्शन रहता है जो उन लोगों के मशीन से कनेक्ट रहता है, इस वजह से ही अगर अर्थ हम लोग को अपने तरफ पुल नहीं करता तो यही प्रॉब्लम होता है। Whatever you do, this through a quasi fall back on Earth. It was speed of 11 km per second to cross the attraction limit of the Earth. बोल रहा है कि 11 किलोमीटर का अट्रैक्शन लगता है, मतलब कि जो भी चीज हम फेंकते हैं उसको 11 किलोमीटर पर सेकंड लगता है नीचे आने के लिए, ठीक है। The only engine that can give such a high speed is rocket. The fuel burns through out all gasoline, this gas is pushed forward. तो इसी वजह से सिर्फ जो गैस है हमारा, जो फ्यूल है, इसी वजह से हम सिर्फ रॉकेट ही है ऐसा चीज जो कि हमें स्पेस में ले जाने में मदद कर सकता है, बाकी ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग इस चीज को यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे में हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आगे हम लोग चांद की जर्नी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का होमवर्क रहेगा कि आप जहाँ तक मैंने रीड कराया उसको वर्ड मीन्स फाइंड कीजिए और रीड आउट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू।